दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का बादशाह भाई यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 का फोर्थ T20 इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। बात करें दोस्तों, सबसे पहले ये मुकाबला डिंगुगल ड्रैगन वर्सेस वैसी ट्रिची के बीच में खेला जाएगा। जहाँ पर दोस्तों बात करें ग्राउंड के बारे में, तो ये मुकाबला SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बटूर में देखने को मिलेगा, जहाँ पर वेदर पूरी तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है। पिच रिपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट बैटिंग एवरेज 161 तथा सेकंड बैटिंग एवरेज 132 का आसपास देखने को मिला है। हाइएस्ट स्कोर 236 रन और लोवेस्ट स्कोर मात्र 14 रन देखने को मिला, जबकि हाइएस्ट चेज 209 रन देखने को मिला है। वहीं दोस्तों अगर इस ग्राउंड पर अभी तक खेले गए मुकाबले के बारे में बात करें, तो प्रीवियस अभी तक टोटल 11 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, जिसमें कि 273% फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम और जबकि 27% सेकंड बैटिंग करने वाली टीम विन करने में सफल रही। चलिए दोस्तों, अब दोनों टीमों के कुछ की प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डिंगुगल ड्रैगन के बारे में, जहाँ पर दोस्तों की फैक्टर साबित हो सकते हैं रविचंद्रन अश्विन और बरन चक्रवर्ती, जबकि इनके साथ में दोस्तों हेमंत कुमार, बाबा इंद्रजीत, आदित्य गणेश, शिवम सिंह और आर बिमल कुमार बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। जबकि बात करें दोस्तों वेल्सी ट्रिची के बारे में की प्लेयर्स के रूप में दोस्तों, तो टी नटराजन, एंथोनी दास, गंगा श्रीधर राजू तथा आर राजकुमार के साथ में अक्षय श्रीनिवासन और एम सजन सा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है, चौथा T20 मुकाबला तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 का कौन सी टीम विन करने वाली है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और बादशाह भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसी तरीके से दोस्तों हर एक मैच की दोस्तों एक एक बॉल की दोस्तों कमेंट्री भी हो सकता है कुछ दिनों के बाद में इस चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को सुनने को मिले। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी आप सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।